नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ आगे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब बात करते हैं आज के डेट का, मॉरेटोरियम को लेके क्या कुछ अपडेट आ रहा है और अभी का जो ताज़ा सबसे फ्रेश अपडेट है यानी मॉर्निंग में जो हमने आपको वीडियो दी थी लगभग 8:30-9 बजे। ठीक है, ये देखिए ये वाला आज होगा फैसला वाला, हमने बताया था ना ये 36 मिनट पहले। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड उसके बाद वाली जो फ्रेश अपडेट है ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं और दिल आपका खुश हो जाएगा और बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, सर में जो दर्द होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो होगा, देख लेना और आपको समझ में भी आ जाएगा। हमने भी आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जो 7 तारीख को फैसला आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है, 7 तारीख को तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा और आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने बता ही दिया था, जिक्र कर दिया था हर चीज़। अब हम आने वाले वीडियो में बताएंगे बस सारा चीज़ यदि क्या कुछ होता है, लेकिन अभी की जो ताज़ा अपडेट है ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, जो RBI का फैसला 12 बजे आने वाला है, गुड न्यूज़ क्या कुछ आ सकता है वो बताएंगे और आज डेट है 6 अगस्त 2020, मॉरेटोरियम 3.0 सभी बैंक NBFC के लिए, अगस्त के बाद जो मॉरेटोरियम आने वाली है उसको लेके कुछ चल रही है ये हम अपडेट बताएंगे। सबसे पहले अभी का टाइम चेक कर लो, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:21, दिख रहा है आपको 9:21, 6 अगस्त है आज। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर वो कौन सी फैसला है जो आज के डेट में आने वाली है, तो सबसे पहले ये देखिए गूगल है, गूगल पे हम क्या करेंगे, गूगल पे RBI MPC मीटिंग सीख लो, ये सब चीज़ आपको तो आता ही होगा, आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आ ही रहा होगा तो आप सीख लो। ठीक है, RBI MPC मीटिंग और यहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट क्या कुछ लगा हुआ आ रहा है सभी लोग देख रहे हैं RBI की MPC मीटिंग की तरफ, क्या कुछ पॉलिसी रेट में कुछ कट शोध, रेपो रेट्स और भी कई कुछ रेट्स कट होने वाले हैं MPC की मीटिंग में, मॉरेटोरियम को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है ये सब लोग को लेके क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, ये तो हिंदुस्तान टाइम्स का हुआ, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स न्यूज़ का देखिए RBI MPC मीट आउटकम, इसका रिजल्ट क्या कुछ आने वाला है सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, RBI MPC मीट हियर इज हाउ यू कैन वॉच गवर्नर शशिकांता दास एट दिस लाइव, तो 12 बजे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है RBI के गवर्नर साहब शशिकांता दास साहब का। तो अब सोच लो यानी RBI के जो गवर्नर साहब हैं वो ये देख लो 25 मिनट एगो टाइम आपने चेक किया था, मैंने क्या बताया था अभी आपने वीडियो देखी थी अर्लीवुड चैनल पे कितने देर पहले आपने देखी थी, लगभग 36 मिनट पहले। ठीक है, ये दिख रहा है 36 मिनट पहले और अभी की टाइम कितनी हो रही है, टाइम चेक कर लो, अभी का टाइम हो रहा है 9:22, मतलब समझ में आ रही कितनी, मेरे वीडियो आने के बाद ही अपडेट आना स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर देख यानी 25। अब देखते हैं जरा ये मनी कंट्रोल का, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम मनी कंट्रोल वाला खोलेंगे, ये सबसे लेटेस्ट फ्रेश है। तो यहाँ पर क्या आ रही है, अब यहाँ पर जरा आप देखो, ये आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, RBI MPC मीट यानी जो मीटिंग का जो आउटकम है, रिजल्ट है, जो 6 मेंबर कमेटी था हेडेड बाय द RBI चीफ शशिकांता दास साहब, अब आज की डेट में शशिकांता दास साहब क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे। ठीक है, तो उसमें सारा चीज़ बताएंगे क्या कुछ होने वाला है, हियर इज़ हाउ यू कैन वॉच। अब बात करते हैं यहाँ पे 6 मेंबर कमेटी जो था मैंने बता ही दिया। अब इस शेड्यूल यहाँ पर देखो, ये लाइन मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेडेड बाय RBI गवर्नर शशिकांता दास इज शेड्यूल टू मीट ऑन अगस्त 6। ठीक है, दास इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द मीडिया एट 12 PM ऑन अगस्त 6, RBI हैज सेड। मतलब RBI ने कहा है, जो RBI के जो गवर्नर साहब हैं शशिकांता दास साहब 12 बजे प्रेस को ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करने का मतलब समझ रहे हो, आखिर जो 3 दिन तक मीटिंग चली है उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, रिजल्ट क्या निकला है, तो ये मीडिया को बताना RBI का जो एक्ट है, RBI एक्ट, मैं आगे आने वाले टाइम वीडियो में किसी में बताऊँगा RBI एक्ट, उसमें ये सारा चीज़ मेंशन होता है, जो MPC की जो मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद क्या आउटकम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, प्रेस में जाएगा, फिर वो RBI की वेबसाइट पे आएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सभी बैंकों के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है आज RBI के गवर्नर साहब शशिकांता दास साहब 12 बजे क्लियर कर देंगे और 12 बजे ही घोषणा हो सकती है, जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा और हेडेड बाय द चीफ ऑफ RBI गवर्नर शशिकांता दास साहब जो 12 बजे मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे जो
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंडिया में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या कुछ राहत की खबर आ सकती है, और उसी राहत की खबर में से एक खबर होगा जो कोविड 19 रेगुलेटरी पैकेज, ठीक है, जिसका जिसका मेन मकसद है जो मॉरेटोरियम 3.0 एक्सटेंशन आफ्टर 31 अगस्त, यानी 1 सितंबर से लेकर नवम्बर तक या दिसंबर तक, दो एक्सपेक्टेशन है जो सितंबर से लेकर नवम्बर तक या दिसंबर तक RBI मॉरेटोरियम को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो अब 12 बजे सभी का नज़र रहेगा RBI के गवर्नर साहब का मीटिंग का, 12 बजे मीटिंग सॉरी माफ़ी चाहूँगा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग खुशी से झूम उठेंगे और लड्डू खाने लगना और हमें भी खिला देना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश हो जाओ, अब आप लोग टेंशन मत लो यार, रीस्ट्रक्चरिंग से लाख गुना अच्छा मॉरेटोरियम है और टेंशन फ्री है इसमें, बस आपको अपने काम पर फोकस करना है, किसी तरह से अर्निंग करना है, और सिर्फ बॉलीवुड ही एक ऐसा चैनल है जो आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपके लिए बहुत कुछ खुशखबरी भी लेके हम आएंगे आने वाले टाइम पे, और आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को जरूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी पसंद आया होगा। और आज का दिन हमने पहले ही अब एक्सपेक्ट कर दिया था, जो आज का दिन जो है बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और दोस्तों आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने इतनी डीप एनालिसिस किया है जो कोई भी नहीं किया होगा, ये वाली वीडियो 7 अगस्त वाली वीडियो, इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट प्रूफ के साथ क्लियर किया हुआ है, जो 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, 6 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और वही चीज हो रहा है, ठीक है, यही चीज हो रहा है जो हमने इस वीडियो में बताया हुआ, 7 अगस्त को कल के डेट में नोटिफिकेशन आने की 100% गारंटी है, और दूसरी चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इसी वीडियो में बताया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा तो 6 अगस्त को होगा, तो यदि ये वाली वीडियो देख लेना, पूरा 11 मिनट का है लेकिन आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, और आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और सभी लोगों को शेयर भी कर, थैंक यू दोस्तों।